टोक्यो ओलंपिक के दिन भर के अपडेट्स और खेल जगत की खबरों के साथ मैं शुभम किशोर स्वागत करता हूं आपका लाइव लगातार पर। आज ओलंपिक का छठा दिन भारत के लिए उम्मीदों भरा रहा। बैडमिंटन, तीरंदाजी और बॉक्सिंग से देश के लिए अच्छी खबर है। तीरंदाजी और बॉक्सिंग में भारत मेडल जीतने के करीब पहुंच चुका है। छठे दिन भारत की शुरुआत हार के साथ हुई। महिला हॉकी में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत की महिला हॉकी टीम को 3-0 से हरा दिया। भारतीय टीम की यह तीसरी हार हुई। हालांकि इसके बाद बैडमिंटन में पीवी सिंधु हांगकांग को हराकर नॉकआउट में पहुंची। वहीं साई प्रणीत नीदरलैंड से 14-21 से हार गए। इस हार के साथ ही प्रणीत का इस ओलंपिक का सफर खत्म हो गया। बात करें तीरंदाजी की तो दीपिका ने अपना जलवा बिखेरा है। वो अंतिम 8 में पहुंच चुकी हैं। हालांकि प्रवीण जाधव को अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा और तीरंदाज तरुणदीप राय भी शूट ऑफ में हारकर ओलंपिक से बाहर हो गए। तो बॉक्सिंग में पूजा रानी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और मेडल से मात्र एक जीत दूर है। रोइंग में भारत के अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह मेंस डबल स्कल्स के फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। कुल मिलाकर आज टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। जाहिर है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला और अब तक का एकमात्र मेडल दिलाने वाली खिलाड़ी भी एक महिला खिलाड़ी है। ऐसे में आज इन खिलाड़ियों ने एक बार फिर मेडल की उम्मीद जगा दी है। आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा और ओलंपिक की तमाम खबरें हम आपको बताएंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ओलंपिक की ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और देखते रहें लगातार.in। चीयर फॉर इंडिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।